हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत। महेश कुमार वर्णवाल का बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी सार, जो 6 से लेकर के 12 तक जो भी एनसीईआरटी बुक है उसका पूरा क्वेश्चन आपको इसमें और डिटेल भी इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने वाले हैं, लास्ट चैप्टर है ये। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, स्वतंत्र भारत से पहले कुछ चैप्टर में पिछले अध्याय में कुछ बच गए थे, उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व में भी कुछ ऐसे बातें चल रहे थे जिनको हम लोग पिछले दिन नहीं देखे थे। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। दूसरे कई देशों के, यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया। दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से संगठन स्थापित किए। उसके बाद उसी समय दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के बात आते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांगों हेतु प्रभुत्व अंग्रेज़ों का समर्थन जुटाने के लिए 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन स्थापित किया था। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में इंडिया लीग की स्थापना हुई। ब्रिटेन की इंडिया लीग के साथ कई मजदूर, समाजवादी नेता और विचारक से संबंधित थे। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में बीके कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसके क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने किसी भी अन्य देशों या ब्रिटेन की जनता के भी विरुद्ध घृणा पैदा नहीं की। मतलब इनका यह विशेषता थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध घृणा पैदा नहीं की। इसका महान श्रेय गांधी जी को है, जिन्होंने प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की। भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों द्वारा स्वाधीनता, स्वतंत्र और सामाजिक समानताओं के लिए किए जा रहे संघर्ष का एक भाग समझा। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू प्रमुख भूमिका अदा की। उन्होंने भारतीय जनता को विश्व में हो रहे विकास से अवगत कराया तथा आज़ादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देशों की जनता के साथ संबंध को स्थापित किए। उन्होंने कहा था कि आज़ादी अविभाज्य है, अर्थात किसी भी देश की आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक प्रत्येक राष्ट्र आज़ाद न हो। उसी प्रकार जनतंत्र, खुशहाली और शांति भी अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों के संघर्ष के साथ संबंध जोड़े तथा 1927 ईस्वी में उत्पीड़ित समुदायों के लिए कांग्रेस की बैठक ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में पड़ता है, हुई। जवाहरलाल नेहरू ने उस कांग्रेस की बैठक में भाग लिया था। याद रखना है, ब्रुसेल्स में जो हुई थी बैठक, उसमें लीग अंगेंस्ट इंपीरियलिज्म नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जिसने साम्राज्यवाद को सर्वत्र समाप्त करने के लिए प्रयास किए। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां और कई देशों की आज़ादी के आंदोलनों के नेता लीग से जुड़े गए। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो नाम सुने होंगे, तथा जूलिया क्यूरी जैसे वैज्ञानिक, मैक्सिम गोर्की जैसे साहित्यकार जुड़े थे। कांग्रेस भी इसी लीग से जुड़ गई थी। जापान अब तक एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। उसने 1931 ईस्वी में चीन पर हमला किया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के विरुद्ध चीनी जनता का समर्थन किया। उन्होंने जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। इस हमले के बाद भारतीय चिकित्सकों का एक दल
चीन गया और वहाँ की जनता को कष्ट निवारण के लिए काम किया। इसी समय एक ऐसे हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ जो खुले तौर पर जनतंत्र तथा मानव समानताओं का विरोधी और युद्ध का पोषक था। इसे फासिस्ट आंदोलन कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? फासिस्ट आंदोलन। इटली और जर्मनी में फासिस्ट सरकार बनी। इस सरकार ने अपनी ही जनता के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयाँ की और जनता को मूलभूत अधिकार को छीन लिए। हिटलर जर्मनी का सत्तारूढ़ था। उसने यहूदियों का संपूर्ण विनाश शुरू कर दिया था। अन्य देशों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। दोस्तों हम लोग विश्व भूगोल में देखेंगे इस सब के, सॉरी विश्व इतिहास में। स्पेन के फ्रांसिस्टो ने वहाँ की जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के फासिस्टों को सक्रिय मदद दी। इससे सारी दुनिया की जनता में रोष फैल गया। आगे चल कर के भारतीय राष्ट्रवादी नेता अन्य देशों की आज़ादी और शांति के लिए फासिज्म के खतरों को समझते थे। उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ रही स्पेनवासी जनता का समर्थन किया। भारत सहित कई देशों के लोग स्पेनवासियों के साथ मिलकर उनकी आज़ादी के लिए लड़ते हुए स्पेन गए। जवाहरलाल नेहरू, बीके कृष्ण मेनन भी स्पेन गए और उन्होंने वहां की जनता को भारतीय जनता के सहयोग का आश्वासन दिया। इटली ने अबिसिनिया जो इथियोपिया पर हमला शुरू कर दिया। पश्चिम देशों के साथ साठगांठ करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने पश्चिमी देशों के तनाशाहों के तुष्टीकरण की नीति की निंदा की। इटली के तनाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नेहरू ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए ही लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं फिलिस्तीन की जनता के आज़ादी के संघर्ष को भी समर्थन दिया। 1935 के ईस्वी के कानून और राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, मतलब भाग लिया जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, मतलब अध्यक्ष बल्कि कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का है, मतलब किस तरह का हो, इसका निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकती है। सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की और अगस्त 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघ राज्य बनेगा यद्यपि 50% रियासत इसमें शामिल हो जाए। एक्ट ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के स्वरूप की सरकार देने का उल्लेख नहीं किया, मतलब स्वरूप नहीं दिया। 1935 ईस्वी के कानून तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। उसने प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू की। प्रांतीय सरकार के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। विधानसभा के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया परंतु मताधिकार सीमित था। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ 1936 ईस्वी में कांग्रेस आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 ईस्वी में एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई। 1937 ईस्वी में होने वाले प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया। उसके बाद आगे अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि वह एक्ट को वापस लेने की मांग करेगी। चुनाव में कांग्रेस की भारी विजय हुई। पांचों प्रांत में उसने पूर्ण बहुमत मिला तथा मुंबई प्रांत में लगभग पूर्ण बहुमत मिला। तीनों अन्य प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। मुस्लिम लीग ने
जो अपने सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन मानती थी, उसके लिए सुरक्षित स्थानों में से एक चौथाई से भी कम स्थान प्राप्त किए गए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहां खान गफूर अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, वहां मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान प्राप्त नहीं किया। हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए गए। उसने 2 अन्य प्रांत में से अन्य दल की सहायता से सरकार बनाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बहुत बार, कहीं 6 आंसर देते कहीं 7, तो इसलिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी में 7 दिया गया, तो 7 ध्यान रखना है। और 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी, मतलब गठबंधन की सरकार। उसके बाद है कि केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शिक्षा का प्रसार किया और किसानों की हालत सुधार किया। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो लगा था, अंग्रेज ने लगाए थे, उसको भी हटा दिया गया। इन मंत्रिमंडलों ने भारतीय रियासतों की जनता को भी प्रभावित किया। राजाओं नवाबों के निरंकुश शासन में कष्ट भोग रही जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों की सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता कांग्रेस के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मंत्रिमंडल बनाने के विरोधी थे। देश में किसानों और मजदूरों के संगठनों का प्रभाव बढ़ गया। आचार्य नरेंद्र देव, दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया। अब दोस्तों देखिए, क्रांतिकारी जो समाजवादी थे कौन थे, जिसके संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी, जो अभी क्वेश्चन अभी 65वीं में पूछा गया है। स्थापना दोस्तों 19 मार्च 1940 को बंगाल में हुआ। उद्देश्य अंग्रेज को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में बोस का समर्थन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। इस समय तक कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई थी। इस प्रकार उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। वे पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे और इसके लिए आंदोलन करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नरमवादी नेता पट्टाभी सीताम रमैया के विरुद्ध पुनः चुनाव लड़े और विजय भी हुए, परंतु उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद को त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं, जिसमें दोस्तों संस्थापक का स्थापना होता है 3 मई 1999 में, मतलब मुक्कर उन्नाव में, उन्नाव जगह का नाम है। उद्देश्य सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास जो महासचिव थे, विश्वभर दयाल त्रिपाठी जो राष्ट्रीय महामंत्री, स्वामी सहजानंद इत्यादि इसमें भाग लिए थे। उसके बाद इस तरह से भाग लेते लेते उसी बीच में दोस्तों स्वतंत्र भारत से पहले एक युद्ध होता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। चलिए इसमें देखते हैं क्यों होता है, उससे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या प्रभाव पड़ा, क्या बढ़ावा मिला या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण दूसरा महायुद्ध हुआ। अब दोस्तों एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या बात था, एक जो जर्मनी में चल रहे थे फासिस्ट देशों की जो 2-3 देश थे, विस्तारवादी नीतियों के कारण यह युद्ध हुआ। सितंबर 1939 ईस्वी में हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर हमला करने के साथ दूसरा महायुद्ध विश्वयुद्ध शुरू होता है। इस युद्ध का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक रूप से पड़ता है।
जैसे कि जर्मनी का चांसलर, जर्मनी उस जो में जर्मनी में हिटलर की सेना थी जो पोलैंड पर हमला करता है, उसी से यह युद्ध शुरू होता है। यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक और निरसंग मतलब युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सलाह लिया, बिना सलाह लिए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। ब्रिटेन क्या है, सलाह जनता भारत की जनता से सलाह लिए बिना ही उसमें शामिल हो गया फिर भी। लेकिन महात्मा गांधी के क्या इसमें भूमिका जानेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे। उन्होंने फासिज्म शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन, इथियोपिया और अन्य देशों की जनता को समर्थन दिया। उन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरे से जनता को सचेत किया और घोषणा की थी कि दुनिया की शांति एवं प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को ही खत्म करना आवश्यक है, दोनों चीज़ खत्म करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने फासिज्म देशों के प्रति पाश्चात्य साम्राज्यवादियों के रवैये की भी निंदा की। साम्राज्यवादी देशों ने फासिज्म देशों के खतरे को नज़रअंदाज कर दिया। कम्युनिज्म के प्रति उनकी घृणा अत्यधिक थी तथा इसलिए उन्होंने फासिज्म देशों की कड़ी निंदा की। यद्यपि फासिज्म देश भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानती थी कि फासिस्ट देश से भी उसके मित्र नहीं हो सकते। वह जानती थी कि यदि फासिस्ट देशों की विजय होती है तो किसी भी देश की स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकती। कांग्रेस ने मांग की तुरंत राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन वादा करे कि युद्ध समाप्त होते ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह मांग को अस्वीकार कर दी। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। प्रांतों में मंत्रिमंडल ने नवंबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया। भारत को युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में हड़तालें हुई और प्रदर्शन भी हुए। मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन रायगढ़ में हुआ तथा मौलाना अब्दुल कलाम उसके बाद शुरू होते हैं अध्यक्ष बनना, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। अब देखिए इस बातों की एक बात है कि मतलब कांग्रेस जो उस समय अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने क्या कहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। तो इस बातों को याद रखना है कि कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है, तो 1940 में। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थल पर पहुंचेंगे और युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही में विनोबा भावे थे। क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़े अरसे में ही करीब 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गए। सन 1942 में आरंभ में युद्ध की स्थिति ने अंग्रेजों को भारतीय सेनाओं से बातचीत के लिए विवश कर दिया। जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंची, मतलब बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। जापानियों ने भारत के कुछ भागों पर हवाई हमले भी किए थे। उसी समय एक ब्रिटिश मंत्री सर स्टेड किप्स मतलब स्टेफर्ड क्रिप्स भारतीय नेताओं से बातचीत करने भारत आया। इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है, लेकिन बातचीत जो हुई सो असफल रही। ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजाओं के हित को बढ़ावा देने का ही प्रयास किया।
उसको ही बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। उन्होंने संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर लिया, परंतु कहा कि गवर्नर द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे। रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। उसी के बाद दोस्तों शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ महीनों के भीतर ही आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा दोस्तों, जहाँ पे 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। पॉइंट पूछा जाता है प्रस्ताव कब पारित किया, तो 8 अगस्त को। कहाँ से, तो वर्धा से। प्रस्ताव की घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को जल्दी से समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ महायुद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आज़ादी के लिए सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति दे देती है। उसके बाद है 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब ग्वालियर टैंक भारत छोड़ो आंदोलन के वहाँ पे इस बार जो माना है कृपलानी, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया अबुल कलाम आज़ाद ने। जब ऐतिहासिक घोषणा हुई उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने थे। उसके बाद है दोस्तों 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद है कि 9 अगस्त 1942 को सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए। जो होता है वो उन्होंने देश के विभिन्न भागों की जेलों में बंद कर दिया गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। देश के सभी हिस्से में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, सरकार ने दमन का सहारा लिया, गोलियां भी चली, लाठी चार्ज हुए, सारे देश में गिरफ्तारियां हुई। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 31 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। कौन, तो महात्मा गांधी जब भी वह चाहते थे वह अनशन पे बैठ जाते थे। इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में पक्का बिठा ले लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है करो या मरो। इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या मर मिटेंगे। यही करो या मरो का नाम दिए थे, जो आप लोग जानते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का रणनाद सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतर आई, लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों तोड़ा, डाक तार व्यवस्था को व्यवधान पैदा कर दिया, गलत कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशक पर सरकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें प्रतिबंध स्वीकार नहीं थे।
1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थीं। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद प्रदर्शन में भाग लेने का तामलुक जो बंगाल में था, 73 साल की मातगिन्नी हजारा को गोहपुर जो असम में पड़ता है, 13 साल की कनक का तला बरुआ जो जगह है, तो उनके महासचिव निजी कौन थे, तो ये क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जाएगा तो महादेव देसाई से पूछा भी गया होगा। उसके बाद है को पटना जो बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए गए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मेंस के एग्ज़ाम में जब बिहार से जोड़ करके भारत छोड़ो आंदोलन पूछता है तो इसमें पॉइंट के जरूर लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो तालुकता बंगाल में 73 साल की मातगिनी हजारा जो जगह है गोहपुर में असम में, 13 साल की कनकलता बरुआ जो पटना में पड़ता है को पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों और अन्य सैकड़ों को गोली मार करके मौत का घाट उतार दिया गया था। उसके बाद देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिए गए तथा वही वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्र में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गईं। आगे चलकर के बालिया में गांधी जी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले में जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 ईस्वी तक चली। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में 1945 तक समानांतर सरकार चली। पूरे महायुद्ध के दौरान जय प्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं एम एन जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी हो रही। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में पूर्णता अधिक था। जिस तरह सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों, विद्यार्थियों का विद्रोह था। उसके बाद है उसी समय आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना होता है। वो क्या वर्ग किए, आज़ाद हिंद फौज का विस्तार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश भारतीय मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए और सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन जो जिसमें सैनिक ने भाग लिया 16,300 किया गया। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है। उसके बाद है इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग एकदम गौर से दो बार पढ़िएगा कम से कम। जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप से संगठित होने पर लाभप्रद लग रहा था, लेकिन दिसंबर 1942 तक आते आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी और भारतीय अधिकारी के मध्य गहरे मतभेद पैदा हो गए। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2000 सैनिकों को ही सैनिक की हो, जबकि मोहन सिंह चाहते थे 2,00,000 तक ले जाना चाहते थे। अतः मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया।
आजाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर पुजीवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करें। याद रखना इस बात को, मेजर पुजीवाड़ा ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है इस पॉइंट से भी। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। वे 1915 से ही जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की, अस्थायी सरकारें जिसमें क्या क्या बातें थे। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष सब उस समय कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो क्वेश्चन पूछा भी गया है। वित्त विभाग जो एससी चटर्जी थे, उसके बाद प्रचार विभाग एस अय्यर, महिला संगठन कार्यभार लक्ष्मी स्वामीनाथन जो विवाह के उपरांत लक्ष्मी सहगल हो गए। इनका इसका जो मुख्यालय था वो तो आपको रंगून में था। उसके बाद रंगून जो आगे चल करके जो मान्यता प्राप्त करने वाले देश से जर्मनी थे, उसके बाद है कि आपको जापान थे और उनके समर्थक देश थे। फिर 1943 को जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका मुख्यालय रंगून था। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में आईएनए के मुख्यालय स्थापित किए। आज़ाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई जिसके नाम गांधी, आज़ाद तथा नेहरू पर रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए निर्मित थी। नेताजी जिसको सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, इसके लिए आप लोगों को पिछले अध्याय में हम लोग देखे हैं। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अलावा शाहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह टिल्ले और प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब उन्होंने महात्मा गांधी को कहा। मार्च-जून 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। शाहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो वर्मा क्षेत्र का घेरा डाला और इम्फाल का अभियान किया। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप जो ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है, अभी चल ही रहा है। लाल किले का मुकदमा जो 1945 में ही होता है नवंबर में, पहला मुकदमा 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया नवंबर में। नवंबर 1945 के मुकदमे में शाहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह ठिल्ले और प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे में चलाने के लिए लाल किले के बने अदालत में खड़ा किया गया।
जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। सप्रू काटजू तथा आसफ अली उनके सहायक में थे, मतलब सहायकों में थे। कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल के पश्चात वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित थे। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग तथा अहरार पार्टी से भी समर्थन मिला। अंततः सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिसके विरुद्ध हत्या एवं बर्बरता का अभियोग है। इसके तुरंत बाद 1946 में जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया। आगे फरवरी 1946 में आज़ाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सज़ा के विरुद्ध कलकत्ता में मुस्लिम लीग के संबद्ध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसने सुभाष चंद्र बोस ने दिए का सबसे प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" था। युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर दौड़ने लगी सभी भारतीयों में। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ विश्व के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल गया था। सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई। समूचे एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए जनता की एक व्यापक लहर उठी। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए प्रदर्शन पर हड़ताल का सिलसिला जारी रहा। जनता आज़ादी की अंतिम लड़ाई में कूद पड़ी। नौसेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फरवरी 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी ने नाविकों ने कई स्थानों पर विद्रोह कर दिया। नाविकों तथा उसके समर्थक और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 300 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोगों का स्वतंत्र भारत के लिए उदय होता है। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पेंथिंग लॉरेंस ने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत को स्वराज स्थापित करना चाहती है। दोस्तों, ये इन्होंने लॉरेंस ने कहा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 ईस्वी में अपना काम शुरू कर दिया, परंतु मुस्लिम लीग और राजाओं ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। 1946 ईस्वी में बंगाल, बिहार और बंबई तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जिसमें हजारों हिंदू और मुसलमानों की जाने गई। लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए थे, भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्र, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। विभाजन की घोषणा के बाद भी दंगे हुए, विशेषकर पंजाब में। कुछ ही महीने के में करीब 5 लाख हिंदुओं और मुसलमान मारे गए। लाखों लोग बेघर हो गए। सांप्रदायिक दलों द्वारा फैलाई गई घृणा के परिणाम सामने आया। ब्रिटिश शासक ने इन सांप्रदायिक दलों को प्रोत्साहन दिया था। दंगों के दौरान मानवता को भुला दिया गया और अत्यंत शर्मनाक तथा नृशंस घटनाएं घटित हुई।
इसके शांत कराने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए थे। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों के दौरा किया और शांति स्थापित करने के लिए जाने करने के लिए जी जान से जुट गए, परंतु फिर भी मरने वालों के तो मर ही जाते हैं। कांग्रेस शुरू से ही एकीकृत स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास करती आ रही थी, परंतु अंत में उसने भारत के विभाजन का मान लिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, परंतु महसूस किया कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए और बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए विभाजन को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक पृथक राष्ट्र बना दिया गया। उसके बाद है, भारतीय जनता ने करीब एक सदी के संघर्ष के बाद, एक सदी ऐसे कर 200 साल कहता है लेकिन फिर भी, शासन का समूल नष्ट कर दिया। हालांकि यह भयंकर दुखद घटनाओं के बीच हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आधी रात जब 12 बज रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितने बजे उन्होंने भाषण, मतलब बात कहे कि 15 अगस्त का दिन शुरू होने के साथ जवाहरलाल नेहरू ने शब्दों में भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कितने बजे, तो 12 बजे आंसर में लगाना है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। 14 अगस्त 1947 को नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए भारतीय जनता के भावी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बतलाया। उसके बाद है दोस्तों, कुछ अंतरिम मंत्रिमंडल सरकारें बनाई गई जो किसके लिए थी, जैसे कि देखिए, सदस्य जवाहरलाल नेहरू जिसके विभाग उनको सौंप दिया है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग, रियासत संबंधी मामले, बलदेव सिंह के रक्षा विभाग दे दिया गया, जॉन मथाई के उद्योग आपूर्ति विभाग, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, HCH भावा कारे खान बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, असफ अली को रेल विभाग, जगजीवन राव को श्रम विभाग, लियाकत अली खां को वित्त विभाग। ये कार्य जो थे, गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को दूर करना, उन्होंने भारत की जनता और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने का व्रत लेने को कहा। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा भव्य प्रसाद बनाने को कहा जहां भारत के सभी बच्चे रह सके। 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। भारत के लोगों स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन गए और नए भारत का निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र किस प्रकार से होता है, उस समय जैसे स्वतंत्र भारत को जिस मार्ग पर आगे बढ़ना था वह आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही निश्चित हुआ था। आज़ादी की लड़ाई भारतीय जनता को प्रभुसत्ता संपन्न बनाने के उद्देश्य से लड़ी गई। यह लड़ाई एक ऐसा जनतंत्र स्थापित करने के लिए की थी जिसमें सारी सत्ता समूची जनता के हाथों में रहनी थी, न कि किसी एक या ये दूसरे समूह के हाथों में। भारत में विभिन्न धर्मों के मामलों वाले, विभिन्न भाषाओं बोलने वाले और विभिन्न रीति रिवाज का अनुसरण करने वाले लोग थे। यद्यपि देश में इसलिए विविधता में एकता कहा जाता है, देश में विभेद पैदा करने वाले सांप्रदायिक दलों जैसे तत्व मौजूद थे, परंतु आज़ादी के आंदोलन को किसी एक या दूसरे समुदाय का आंदोलन बनाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया। किसी भी धर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक जनतांत्रिक आंदोलन का अभिन्न अंग होती है। जनतंत्र में सब जो होता है, नागरिक बराबर होते हैं, अर्थात सबके सम्मान अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने एक न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का लक्ष्य भी अपने सामने
रखा था। यह लक्ष्य समाजवादी विचारों के प्रसार के साथ अधिक स्पष्ट हो गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वतंत्र भारत को समाज में मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए, तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना था। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में भी नीति बनाई थी। यह भी सभी लोगों की समानता के विरुद्ध सिद्धांत पर आधारित थी। इसका अर्थ यह था कि स्वतंत्र भारत उन सभी लोगों को सहयोग देगा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्र अविभाज्य है, स्वतंत्रता जो है अविभाज्य है, और जब तक हर एक देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक किसी भी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। उसके बाद है, भारत में शांति की नीति पर जोर दिया गया क्योंकि शांति से रहने पर ही पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है और विश्व बंधुत्व की भावना को विकास किया जा सकता है। शांति की नीति इस विश्वास पर भी आधारित थी कि संसार से के सभी आम लोगों के हितों में कोई विरोध नहीं है। इस तरह आज़ादी और शांति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति पर आधार बन गई। इस सिद्धांतों के से प्रेरित होकर भारत की जनता 1947 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र की जीवन यात्रा आरंभ की। स्वतंत्र भारत के तत्कालीन चुनौतियां उस समय क्या क्या थी? जैसे स्वतंत्र भारत के सामने कई तत्कालीन चुनौतियां थी। पहला चुनौतियां देश के राजनीतिक एकता स्थापित करना। जब ब्रिटिश शासन का समाप्त होना निश्चित हो गया तो राजा महाराजाओं ने अपने दमन में वृद्धि कर दी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, श्रावणकोर और राजस्थान के कुछ रियासतें, यह दमन अधिक बर्बर था। कुछ राजाओं स्वतंत्र शासक बनने की योजना बनाई थी तो राष्ट्रीय आंदोलन ने राज्यों की जनता की मदद से उनकी योजना को विफल कर दिया। राज्यों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था। उनके प्रयास से भारत में स्वतंत्र होने से पहले से ही सभी राज्यों को भारत में मिला लिया गया था। केवल तीन ही राज्य जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में नहीं मिले, वे तीन थे। जम्मू कश्मीर जो जनमत संग्रह से, हैदराबाद जो पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई या अपने आप से अधिकार पत्र पर साइन करके। जूनागढ़ जनमत संग्रह, ये बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्रता के रूप के तुरंत बाद कश्मीर पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पर, परंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने को भारत का अंग समझती थी। उसने पाकिस्तान को हमलावरों से डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान हमलावरों को मार भगाने के लिए भारतीय सेना वहां भेजी गई, जिसमें जूनागढ़ का जो नवाब पाकिस्तान भाग गया वहां का जो नवाब था। फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत में मिल जाने के पक्ष में मत दिया। हैदराबाद के निजाम जो था, मान लिया कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई सरकार भारत में मिल जाने के बारे में फैसला करेगी, मगर उसने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत उसने हथियारबंद धर्मांध को जनता पर जुर्म करने के लिए उकसाया। सितंबर 1948 ईस्वी में भारतीय सैनिक सिकंदराबाद में घुसे और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद यह राज्य भी भारत में मिल गया। फ्रांसीसी शासक के अंतर्गत तो पांडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे तथा चंद्रनगर, और पुर्तगाली शासक के अंतर्गत तो गोवा, दमन द्वीप तथा दादर नगर हवेली में भी आज़ादी के आंदोलन और शेष भारत के साथ मिल जाने का लंबा इतिहास है, जो हम लोग पिछले अध्याय में जाने हैं और ज्योग्राफी में इसको पढ़ना है। परंतु इन क्षेत्रों में विदेशी शासन का अंत भारत के स्वतंत्र होने के कई वर्ष बाद हुए हैं। फ्रांस के भारतीय उपनिवेशों
में आज़ादी के लिए संघर्ष काफ़ी पहले शुरू हो गया था, परंतु दूसरे महायुद्ध के बाद यह ज़्यादा तीव्र हो गया। फिर 1948 में माहे में विद्रोह हुआ और प्रशासन ने समर्पण कर दिया। 1949 में चंद्रनगर भारत में मिल गया। 1954 में फ्रांस द्वारा शासित क्षेत्र जनता ने भारी बहुमत से प्राप्त में मिलने का फैसला किया। तब तक भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सभी फ्रांस शासित क्षेत्र भारत में मिल गए। पुर्तगाली उपनिवेशवाद में सशस्त्र संघर्ष काफ़ी पहले शुरू हो गया था तथा 18वीं, 19वीं और 20वीं सदियों तक जारी रहा। गोवा में राष्ट्रीय आंदोलन के पिता त्रिस्थाओ ब्रेगेंजा खुन्ना थे। उन्होंने 1928 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। गोवा के अनेक स्वाधीनता सेनानियों को यातनाएं दी गई तथा जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने उनमें से कुछ को तो अनेक वर्षों तक पुर्तगाल की जेलों में रखा गया, अनेक को मृत्यु दंड दे दिया गया। 1954 ईस्वी में स्वाधीनता सेनानियों ने दादर और नगर हवेली को अपने पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया। भारत सरकार लंबे समय तक पुर्तगाली की सरकार को समझती रही कि वह अपने उपनिवेश छोड़ दे। उस समय पुर्तगाली यूरोप का एक सबसे पिछड़ा हुआ देश था और उस पर एक तानाशाह का शासन था। इसके बावजूद इसका अनेक पाश्चात्य देश समर्थन कर रहे थे, विशेषकर ब्रिटेन। अमेरिका भी पुर्तगाली के इस दावे का समर्थन करता रहा। गोवा पुर्तगाली का एक प्रांत है। 1955 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। निहत्थे सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश किया। पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई और उनमें से कई लोगों को मार दिया गया। पुर्तगाली के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गोवा के कुछ लोगों ने सशस्त्र दल बनाए। अतः दिसंबर 1961 में भारतीय सेना गोवा में पहुंची और पुर्तगालियों ने समर्पण कर दिया। गोवा भारत का अंग बन गया। उसके साथ ही संपूर्ण भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद कुछ साल बाद पुर्तगाली की जनता ने अपने देश की उस तानाशाही को ख़त्म कर दिया जिसने उनका कई दशकों तक दमन किया था। उसके तुरंत बाद गांधी जी ने भारतीय जनता की जागृति में महान भूमिका अदा की थी। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता का अनेक वर्षों तक नेतृत्व किया। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत में आज़ादी प्राप्त की। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। जिन कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया था, उनमें से एक प्रमुख कार्य था हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य। जब कलकत्ता सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे तो उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तथा शांतिपूर्ण तथा सांप्रदायिक मैत्री स्थापित करने के लिए प्रेम तथा बंधुत्व का उपदेश दिया। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ, उस दिन गांधी जी कलकत्ता के दंगे प्रभावित क्षेत्र में थे। हिंदुओं तथा मुसलमानों की हत्याओं से और देश के विभाजन से उन्हें अत्यंत दुख हुआ। कुछ लोग प्रेम और बंधु भाव के उनके संदेश को पसंद नहीं करते थे। दूसरे समुदाय के प्रति उनके मस्तिष्क में घृणा थी। 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध हिंदू नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। तभी दोस्तों भारतीय जनता विगत वर्ष में हुई सांप्रदायिक हत्याओं तथा विनाश के आघात से जैसे तैसे अपने को संभालने का प्रयास कर रही थी, पुनः गहन शोक में डूब गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन का एक प्रकाश गायब हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी तक के क्वेश्चन को पूछा गया है।
गांधी जी की कलह से भरे विवश में प्रेरणा के स्रोत और प्रकाश के स्तंभ थे। वे सारे संसार में महात्मा के नाम से जाने जाते हैं थे। उन्होंने हर व्यक्ति के आंसू पोंछने और हर जगह से दुख से दूर करने के अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उनके सामने को पूरा सॉरी सपने को पूरा करने का हम सबका कर्तव्य है। बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के सामने एक प्रमुख तत्कालिक समस्या थी, विस्थापितों को फिर से बसाना, जो पाकिस्तान के भाग में गए थे। वहाँ से लाखों लोग बेघर होकर भारत आए थे। इन शरणार्थियों को सहायता तथा रोजगार देने और बसाने की समस्या आई। उन्होंने भी अपनी कठिनाइयां साहस के साथ झेली और स्थिर होकर नई जिंदगी शुरू कर दी। देश के विभाजन ने कई आर्थिक समस्याएं पैदा की, कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया, जूट तथा सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, परंतु जूट तथा कपास का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में चले गए। परिणाम स्वरूप जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से कच्चे माल का अभाव मिटाया जा सका। गेहूं और चावल पैदा करने वाले विशाल क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। इसीलिए कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा। दूसरे महायुद्ध मतलब विश्व युद्ध और विभाजन के कारण देश की परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। इस बीच स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य भी चल रहा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र बन गया और उसी दिन संविधान लागू हुआ। वह दिन था 26 जनवरी 1929 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। 30 होगा दोस्तों, क्योंकि 30 में मनाया गया था। उस दिन भारत में गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए तब से स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचशील समझौता हुआ था, एक बातें हैं जो पूछा जाता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया। इसमें पहले बातें थी, उद्देश्य इसका एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता के स्तर को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान लाभ के लिए प्रयास करना सॉरी पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करना, शांतिपूर्ण अस्तित्व। उसी समय एक गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हुए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1955 में पांडुंग सम्मेलन के पश्चात गुट निरपेक्ष शब्द सामने आया। वैसे गुट निरपेक्ष शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में मतभेद है। एक दृष्टि के अनुसार बीपी मेनन ने 1954-53 में इस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि दूसरे मत के अनुसार कांग्रेस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुट निरपेक्षता की बात उठाई। इसके पश्चात एशिया तथा अफ्रीका ने नवगठित राष्ट्र ने दोनों ध्रुवों के साथ संयुक्त हुआ बिना अपने स्वतंत्र विकास के लिए। 1961 में बेलग्रेड में एक सम्मेलन का आयोजन किया और इसी से के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इस तरह दोस्तों हम इतना देख लिए और नेक्स्ट में आधुनिक विश्व।